जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आजकल श्रृंखला चल पड़ी है ग्रहों की दृष्टियों को लेकर। पिछले कुछ दिनों मेरी कोशिश रही कि आपको दृष्टियों के बारे में बता पाऊँ, जिसमें मैंने सूर्य देवता की और चंद्रमा देवता की दृष्टियों के बारे में आपको बताया। ग्रह जहाँ बैठा होता है, जिस भाव में, जिस राशि में वो बैठा होता है, वहाँ का प्रभाव तो वो देता ही है, लेकिन जहाँ पर वो दृष्टि डालता है वहाँ का प्रभाव भी वो पूर्ण देता है। अगर ग्रह अच्छा है तो उसकी दृष्टियाँ भी अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होती हैं। अगर ग्रह बुरा है, यानी मारक ग्रह बन के बैठा है, तो उसकी दृष्टियाँ भी मारक ग्रह बनकर बुरा प्रभाव देने में सक्षम होती हैं। प्रिय दर्शकों, हमने सूर्य देवता की 12 भावों में जानकारी दी, हमने चंद्रमा देवता की 12 भावों में जानकारी दी। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं मंगल देवता की। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता, और आप ये भली भांति समझते हैं कि ये मैंने भावों के बारे में लिखा है, ये लग्न कुंडली समझ के मत चलिएगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है। आपको भाव समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ नंबरिंग की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां भाव, 8वां, 9वां भाव, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ भावों में मंगल देवता की बात करते हैं। पर पहले ये समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, मंगल देवता एक बहुत बड़े प्लैनेट माने जाते हैं, मंगल देवता एक बहुत पराक्रमी प्लैनेट माने जाते हैं, मंगल देवता हमारी फिजिकल बॉडी के कारक ग्रह माने जाते हैं। फिजिकल बॉडी के कारक ग्रह होने की वजह से, इनमें बलाबल नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से, देवताओं का सेनापति होने की वजह से इनकी दृष्टियाँ भी एक से ज़्यादा होती हैं। जैसे सूर्य देव की दृष्टि सिर्फ अपने से 7वें भाव पर असर डालती है, चंद्रमा देवता की दृष्टि भी अपने से 7वें भाव पर असर डालती है, लेकिन प्रिय दर्शकों, मंगल देवता की दृष्टियाँ अपने से 4थे भाव पर भी असर डालती हैं, अपने से 7वें भाव पर भी असर डालती हैं, अपने से 8वें भाव पर भी असर डालती हैं। मंगल देवता की 3 दृष्टियाँ होती हैं और तीनों दृष्टियाँ जहाँ पड़ती हैं उन भावों पर भी इनका असर होता है। आइए पहले भाव से शुरू करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में ही मंगल कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो, अगर मंगल देवता योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो पहले भाव संबंधी पर्सनैलिटी को अच्छा करने में तो सक्षम अवश्य होंगे, लेकिन यहाँ से जितनी दृष्टि 4थे भाव पर डाली, क्योंकि मंगल देवता की 4थी दृष्टि भी होती है, तो 1, 2, 3 और 4 जहाँ मंगल देव पड़े हों वहाँ से गिनना शुरू कीजिए और यहाँ से 4थी दृष्टि 4थे भाव पर डालिए। 4थी दृष्टि 4थे भाव पर डालने से मंगल देवता अगर योग कारक हैं तो 4थे भाव संबंधी भी एडवांटेज देंगे। माता से लगाव, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, अगर सारी सुख सुविधाएं लेने वाली हुई तो मंगल देवता 4थे भाव संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज अपनी दशा अंतर दशा में अगर योग कारक हैं तो अवश्य देंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, पत्नी के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी मंगल देवता बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह होकर लग्न भाव में है तो 7वीं दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ी उसके संबंधी भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। और 8वीं दृष्टि प्रिय दर्शकों 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डालने से आपकी दिक्कत परेशानियाँ टेंशन्स को कम करने में, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करने में, आपकी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में सब में मददगार सिद्ध होंगे। तो अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं तो लगन भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, 4थे भाव संबंधी पर 4थी दृष्टि डालकर अच्छे रिजल्ट, 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि डालकर अच्छे रिजल्ट और 8वें भाव संबंधी भी 8वीं दृष्टि डालकर अच्छे फल ही देते मिलेंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत भी कंडीशंस हो सकती हैं प्रिय दर्शकों। मान लीजिए मंगल देवता मारक ग्रह बनकर लगन भाव में बैठे हैं, मारक ग्रह बनकर लगन भाव में बैठने से लगन संबंधी अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे, पर्सनैलिटी इरिटेटिंग होगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, जातक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी का भी माना जाएगा। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी 4थे भाव पर 4थी दृष्टि मारक ग्रह बनकर डाली,
तो माता से कलह क्लेश। गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो यहाँ पर डाली हुई मंगल देवता की चौथी दृष्टि इन सब में भी दिक्कत परेशानियाँ देती ही मिलेगी। यहाँ से मंगल देवता ने मारक ग्रह होकर सातवीं दृष्टि जो सातवें भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानी, मैरिज में भी दिक्कत परेशानी और डेली वेजेस में भी नित्यनवा क्लेश खड़ा होता ही मिलेगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर तो आठवें भाव संबंधी भी आपको सदैव अशुभता के रिजल्ट ही मिलेंगे, बिना कारण के हर बात में ऑब्स्टेकल जातक के लिए खड़े मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में विराजमान होने से मंगल देवता अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो दूसरे भाव में परिवार का साथ होगा, धन का आगमन होता रहेगा और धन के आगमन होने के साथ साथ जातक की थोड़ी सी वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि जातक के लिए एक अग्रेसिव प्लैनेट है, एक अग्रेसिव प्लैनेट होने की वजह से थोड़ी सी वाणी में उग्रता आना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दूसरे भाव संबंधी बाकी सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे, धन का आगमन परिवार का साथ मिलता रहे। यहाँ से मंगल देवता ने चौथी दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि योग कारक ग्रह बनकर अगर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, माइंड मेमोरी विल पावर के लिए अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा, लव रोमांस में कामयाबी के लिए अच्छा, अनसर्टेन गेंस के लिए अच्छा, तो पंचम भाव संबंधी भी चौथी दृष्टि डालकर मंगल ने अच्छा करने में बाध्य हो गए। मंगल देवता की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, अष्टम भाव पर डाली हुई मंगल देवता की दृष्टि ऑब्स्टेकल को दूर करने में, टेंशन डिप्रेशन को दूर करने में सदैव सहायक होगी। यहाँ से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, भाग्य साथ देने वाला होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, उसमें लाभ होगा, जातक के लिए हमेशा धर्म को मानना, प्रभु पर पूर्ण आस्था रखना, प्रभु पर अटल विश्वास रखना, ऐसी स्थितियां वो क्रिएट करेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर कुंडली के मारक ग्रह बनकर यानी फंक्शनल मैलिफिक बनकर बैठे होंगे तो धन का अभाव, परिवार में दिक्कत परेशानियां, उसके साथ साथ ही परिवार में दिक्कत परेशानियां धन का अभाव के साथ साथ जातक की वाणी अनुसरी ऐसी अपशब्द बोलने वाली बना देंगे जिसे सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। यहां से मारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि पांचवें भाव पर डाली तो माइंड मेमोरी विल पावर को अग्रेसिव करना अनुसरी, पेट में प्रॉब्लम देना, लवर मास में नाकामयाबी देना, अनसर्टेन लॉस देना और पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके संतान को कष्ट देना, संतान से कष्ट देना, ऐसी सारी स्थितियां क्रिएट होती मिलेंगी। यहां से जितनी दृष्टि अष्टम भाव संबंधी मारक ग्रह बनकर डाली तो माइंड मेमोरी विल पावर के साथ साथ जातक की ऑब्स्टेकल डिप्रेशन टेंशन एंग्जाइटी को बढ़ाई ही रखेंगे, जातक किसी न किसी उलझन में पड़ा ही रहता है। यहां से मारक ग्रह बनकर आठवीं दृष्टि जो कुंडली के नवम भाव में डाली, नवम भाव में डाली हुई दृष्टि भी भाग्य साथ ना देना, पिता की केयर ना करना, विदेश यात्रा करना तो वो लाभान्वित ना होना और जातक का धर्म को ना मानने वाली स्थिति का क्रिएट होना, ऐसी स्थिति अवश्य क्रिएट करते मिलेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर योग कारक ग्रह बन के मंगल देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, चौथे पंचम भाव संबंधी चौथी दृष्टि डालकर पॉजिटिव रिजल्ट, अष्टम भाव पर सातवीं दृष्टि डालकर पॉजिटिव रिजल्ट और नवम भाव पर आठवीं दृष्टि डालकर पॉजिटिव रिजल्ट, और इसके बिल्कुल विपरीत अगर मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो दूसरे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट और नवम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल देवता अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से मंगल देवता जातक को पराक्रमी बना देंगे, क्योंकि तीसरा भाव मंगल देवता का कारक भाव बनता है, छोटे भाई बहन का योग बना देंगे, जातक ज्यादा मेहनत करने वाला होगा अगर कुंडली का योग कारक ग्रह बन के मंगल देवता तीसरे भाव में बैठे हैं, जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, ऐसी सारी स्थितियां जातक के लिए होंगी, बाहुबली होगा।
यहाँ से मंगल देव ने चौथी दृष्टि जो छठे भाव पर डाली, तो योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं, तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाने की काबिलियत भी अपने अंदर रखते हैं, अच्छी जॉब करने की काबिलियत भी अंदर रखते हैं, जातक भाग दौड़ करने वाला होता है। यहाँ से मारक ग्रह बनकर जितनी नवम भाव पर सातवीं दृष्टि डाली, तो पिता से मनमुटाव होना, लेकिन पिता की फिर भी केयर करना, पिता की बात का बुरा जल्दी ना मानना। लेकिन मंगल एक अग्रेसिव प्लेनेट है, अपनी बात मनवा भी लेना उनसे, तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कभी अग्रेसिव हो गई कभी सॉफ्ट हो गई, ऐसी स्थितियां मंगल देवता चलाते रहते हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह भाग्य भाग दौड़ करके साथ देने वाला होता है। जातक जितनी यात्राएं करता है उसमें भी उसे लाभ मिलने का योग बनता है, विदेश यात्रा करता है तो उसमें भी एडवांटेज मिलता है। दर्शकों, यही मंगल देवता अगर यहाँ से आठवीं दृष्टि योग कारक होकर कर्म भाव पर डालेंगे, यानी दशम भाव पर डालेंगे, तो दशम भाव संबंधी भी स्थिति का पॉजिटिव होने का योग बनता है। कामकाज में इम्प्रूवमेंट आना, कामकाज के साथ साथ जातक भाग दौड़ करने वाला होना, प्रोफेशनल ग्रोथ में आना, ऐसे सारे एडवांटेज मिलते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर मारक ग्रह बनकर मंगलदेव तीसरे भाव में बैठे हुए, तो भाई बहन से क्लेश, फजूल की भागदौड़ होना, सारे मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, और यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, और नवम भाव पर सातवीं दृष्टि डालकर पिता से मनमुटाव होना, इसके भी अशुभता के रिजल्ट, और आठवीं दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तीसरे भाव से, इसके संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल देवता एक मारक ग्रह बनकर तीसरे भाव में विराजमान हुए। दर्शकों, यही मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से मंगल देवता अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। सातवें भाव पर चौथी दृष्टि यहाँ से डाली, तो सातवें भाव संबंधी भी एडवांटेज, दशम भाव संबंधी भी एडवांटेज, और ग्यारहवें भाव संबंधी भी लाभ की कमी जल्दी नहीं आने देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर चौथे भाव में मंगल देवता कुंडली के मारक ग्रह बन के बैठे होंगे, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानियां देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दाम्पत्य सुख पर डाली, तो उसमें कलह क्लेश मचवा देंगे, पार्टनरशिप में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस के साथ साथ यहाँ पर डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम, सदा अनसर्टेनिटी खड़ी करते ही मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज पर, कामकाज में भी रुकावट देंगे, क्योंकि मारक ग्रह बनकर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी सातवीं दशम भाव, तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक इशू होगी, और यहाँ से ग्यारहवें भाव संबंधी भी आपको परेशान करते ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। We'll be right back.